हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी में सोने की पोजीशन भी बच्चे की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में पीठ के बल क्यों नहीं सोना चाहिए, प्रेगनेंसी में पीठ के बल सोने से क्या होता है, कब आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए और कब आप पीठ के बल सो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी पर प्रेस कर लीजिए, और भी अच्छा वीडियो लगता है तो वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर कीजिए, और हमारे बेबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ, जैसे आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरा बेबी होने वाला है और या फिर मेरा बेबी हो गया है तो उसके लिए मुझे कौन से डायपर यूज़ करने चाहिए, तो आज मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करने वाली हूँ अपने बेबी के लिए भी जो यूज़ कर रही हूँ अभी। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो सेकंड बेबी है वो अभी 1.5 ईयर का है, तो उसके लिए भी मैं वही डायपर यूज़ कर रही हूँ, तो आज मैं आपके साथ उसी डायपर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वो डायपर है मामा अर्थ के प्लांट बेस्ड डायपर पैंट में कॉटन सॉफ्ट इनर लेयर यूज़ की गई है। इसके साथ ये हाइपो एलर्जेनिक भी है, जो कि बेबी स्किन को किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं करेगा, किसी भी तरीके की इचिंग भी नहीं होने देगा। इसके साथ ही ये बेबीज़ की सेंसिटिव स्किन के लिए बनाया गया है, मतलब जैसे आपको पता है कि न्यूबॉर्न बेबी होता है तो कितनी सॉफ्ट स्किन होती है बेबी की, तो उसके लिए भी ये फुली सेफ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन क्वालिटी से इसको बनाया गया है। इसके साथ ही लीकेज प्रोटेक्शन इसमें 12 घंटे तक का दिया हुआ है, मतलब 12 घंटे तक बेबी की स्किन पर किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं देगा, वेटनेस भी नहीं होने देगा ज़्यादा। जैसे और डायपर आपने यूज़ किए होंगे तो उनके साथ क्या होता है कि वेटनेस एक दो बार की सुसु से ही फील होने लगती है बच्चे को, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ आपको 12 घंटे की लीकेज प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है और साथ ही आपको क्या वेटनेस भी इससे बच्चे को फील नहीं होगी। जैसे कि फ्रेंड्स, और अदर डायपर आपने देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि लेटेस्ट फ्रेग्रेंस जो होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इस डायपर में 0% है, बिल्कुल क्लोराइन ब्लीच का यूज़ नहीं किया गया है। इसके साथ ही इसमें आपको 2 गुना एब्जॉर्बेशन मिल जाता है। इस तरीके का आपको ये पैंट मिलेगा इस तरीके से, इस पर जैसे कि दिया हुआ है फ्रंट, तो आप फ्रंट ये वाला होगा। इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और हम इसके अंदर क्वालिटी की बात करते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी इसमें यूज़ की गई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, एक लेयर लगाई गई है इसमें जो कि फुली वेटनेस प्रूफ है, मतलब बिल्कुल भी गीलापन बच्चे को फील नहीं होने वाला है। मेरा भी बेबी है, मैं स्पेशली रात में तो डायपर यूज़ करती ही हूँ बच्चे के लिए, तो जब वो इतना रात भर सुसु करता है, और 1.5 साल का हो गया है तो 1.5 साल का बच्चा कितना ज़्यादा क्वांटिटी में सुसु करता है, तो जब मैं सुबह चेक करती हूँ डायपर, तो मुझे बिल्कुल उसकी स्किन पर बिल्कुल भी वेटनेस फील नहीं होती है, ना तो किसी तरीके कोई रैसेस फील होते हैं। जब फ्रेंड्स मैं कोई भी रिव्यू करती हूँ आप लोगों के साथ, तो पहले अपने बेबी के साथ उसको यूज़ करती हूँ, फुली ट्रस्टेड बन जाता है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, जिससे कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आपके बच्चे को भी किसी भी तरीके की किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जी ना हो और ना ही किसी भी तरीके का हार्म हो। मुझे बहुत पसंद आया, पर्सनली बहुत अच्छा है। बहुत से मैंने डायपर यूज़ किए हुए हैं, लेकिन जो ये क्वालिटी दे रहे हैं मामा अर्थ, बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं डायपर में। डायपर में आपको कॉटन सॉफ्ट इनर लेयर तो मिल ही रही है, साथ में नो लीक कफ्स भी मिल रहे हैं, मतलब ऐसे कफ्स यूज़ किए गए हैं जिससे लीकेज प्रोटेक्शन 100% रहती है, और आपको साथ ही एलोवेरा की गुडनेस भी मिल रही है, सुपर ड्राई लेयर भी मिल रही है। जो ऊपर जो इसकी लेयर लगाई गई है वो सुपर ड्राई है, जिससे कि बच्चे को बिल्कुल भी गीलापन फील होने वाला नहीं है। और डायपर पहनाते टाइम मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि गीलापन बच्चे को बहुत ज़्यादा फील होता है, जिससे बच्चा इरिटेट होता है और बेवजह ही रोता है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आपको इस डायपर के साथ बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही इसमें कॉर्न स्टार्च टॉप सीट भी बनाई गई है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल से बनाई गई है। इसमें ब्रीदेबल बैक सीट भी बनाई गई, जिससे एयर पास आउट होती रहे, और जैसे कि आप इसमें फ्रेंड्स देख रहे हैं कि इसमें वेटनेस इंडिकेटर भी आपको मिलता है। जब डायपर ज़्यादा भर जाता है, आप मतलब इजीली पहचान सकते हैं कि अब बच्चे को ज़्यादा गीलापन फील हो रहा है या डायपर पूरे तरीके से फुल हो चुका है, तो इसमें जो एक लाइन दिखाई गई है आपको इंडिकेट कर देगी कि बच्चे का डायपर अब फुल हो चुका है। ठीक है, तो आप फिर बच्चे का डायपर चेंज कर दीजिए। अब जैसे कि आपको पता है, मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं प्लांट बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, 0% केमिकल से बनाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल 100% केमिकल फ्री होते हैं, और ये डायपर फ्रेंड GMP और ISO सर्टिफाइड भी है, इसलिए आप टोटली इस चीज़ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको इसमें किसी भी तरीके का डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है।
इसके साथ ही मम्मा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है। मेरा बेटा अभी 1.5 साल का है तो उसके अकॉर्डिंग हमने मंगाया हुआ है। आप अपने किसी भी साइज के, जितने भी ईयर का आपका बेबी है, जितने भी मंथ का बेबी है, डायपर का ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक सारे मैंने, इसके बाइंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। फ्रेंड जैसे कि आप इसको मम्मा अर्थ की साइट से जाकर डायरेक्टली मंगवाते हैं तो उस पर आपको और फायदा मिल सकता है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं Reshu20 तो उस पर आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अपने बच्चे के लिए ये डायपर जरूर यूज करें, फुली तरीके से सेफ है और आपको इसे पता है कि जो प्रोडक्ट मैं अपने बच्चे के ऊपर यूज कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। शुरुआती 3 महीने, जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी के 3 महीने तक आप जैसे चाहे वैसे सो सकते हैं, लेकिन पेट केवल नहीं सोना चाहिए। अब आते हैं 4th महीने पे, तो जैसे ही आपका 4th महीना लग जाता है उसके बाद फिर आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चे तक सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, मतलब बच्चे तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बच्चे तक नहीं हो पाती है ठीक तरीके से। फिर क्या होता है, फिर बच्चे का वजन कम रह जाता है, बच्चे का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे के विकास के लिए ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है बच्चे की लाइफ के लिए। यही चीज़ें उसको ठीक तरीके से नहीं मिलेंगी तो सोचिए फिर बच्चे के विकास पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको पीठ के बल सोने के लिए मना किया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि पीठ के बल नहीं सो सकते हम, तो फिर कैसे सोए? तो आप अगर सोच रही हैं कि क्या दाएं करवट सो सकते हैं, फ्रेंड्स आपको दाएं करवट भी नहीं सोना चाहिए। जैसे आप सबको पता है फ्रेंड्स कि दाएं साइड हमारा लीवर होता है और जब आप दाएं करवट सोएंगी तो लीवर पर दबाव पड़ेगा, जिस वजह से आपका जो खाना होता है वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, पाचन क्रिया पर फर्क पड़ जाता है। और जब ठीक तरीके से आपका डाइजेशन सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा कि आपको पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि जब डाइजेस्ट नहीं होगा खाना तो वो जाके सड़ेगा, तो फिर सड़े खाने से आपको पोषक तत्व कैसे मिल सकते हैं? तो आपको पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी और बच्चे तक भी पोषक तत्व फिर कैसे पहुंचेंगे, और इस वजह से भी फिर बच्चे का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए फ्रेंड्स आपको हमेशा यही एडवाइस दी जाती है कि आपको लेफ्ट साइड करवट लेके सोना चाहिए। लेफ्ट साइड से क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके सूजन और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और साथ ही क्या होता है कि बच्चे तक ब्लड सप्लाई भी अच्छे तरीके से होती रहती है, बच्चे तक ऑक्सीजन भी अच्छे तरीके से पहुंचता रहता है, और लेफ्ट साइड सोने से गरनाल के जरिए बच्चे तक सभी पोषक तत्व तो आसानी से पहुंचते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो क्या होता है फिर कि बच्चे का विकास अच्छे तरीके से होता है, और कई लोगों की शिकायत होती है कि मूवमेंट नहीं होते मुझे फील, तो आप अगर लेफ्ट साइड करवट लेके सोती हैं तो आपको मूवमेंट भी अच्छे तरीके से फील होने लगेंगे। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि लेफ्ट साइड करवट लेके हम पूरी रात कैसे सो सकते हैं, कई लोग कहते हैं मुझे राइट साइड सोना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स स्पेशली जब आप खाना खाते हैं लेफ्ट साइड से ही आप शुरुआत करें सोने की, फिर अगर आप रात में थक जाते हैं लेफ्ट साइड लेके तो फिर आप दाएं करवट ले सकते हैं, थोड़े टाइम फिर आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं करवट, लेकिन आपको शुरुआत लेफ्ट साइड करवट से ही करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।